सारे जो मुद्दे, अहम मुद्दे सुब्रमण्यम स्वामी जी ने जो लिए हैं और इसके ऊपर विचार विमर्श भी हुआ है, पार्लियामेंट लोकसभा में पास भी हुआ है। ये तो हमारी बदकिस्मती है कि आज आतंक दोबारा देश की सड़कों पे 20 तारीख के बाद फिर से आएगा, इस वजह से कि राज्यसभा नहीं चल पा रही, क्योंकि ये तो लॉ आ गई थी कि जो 16 और 18 साल के बीच के जो इस टाइप के घिनौने सीरियस ऑफेंस करते हैं उनको रखा जाए, अरेस्ट करके उनको कन्फाइन किया जाए, लेकिन अब राज्यसभा चल नहीं रही और ये आतंक 20 तारीख के बाद फिर हमारी सड़कों पे दिल्ली में फैलेगा। जो उसके रिहैबिलिटेशन की प्रोग्राम जो है और जो भी है प्रावधान उसकी देखभाल के लिए और उसको ठीक से उसकी परवरिश हो वो सरकार करे, इसके ऊपर कोर्ट ने कहा। इतना क्राइम करने वाला मुजरिम आखिरकार हमारी कोर्ट और हमारी सरकार ने छोड़ दिया, तो जो हमें आश्वासन मिला था कि हमको इंसाफ मिलेगा वो इंसाफ नहीं मिला, आखिर एक मुजरिम छूट गया। इनका मुझे समझ नहीं आया कि वो क्या कहाँ रखेंगे क्या।